एवरीवन, दिस इज ओम एंड वेलकम टू सिविल राजा। तो सबसे पहले आप सबको एक वेरी हैप्पी संडे। तो आई गेस अब तक आप लोगों ने अपने संडे को काफी एंजॉय कर लिया होगा और आगे भी आपके कुछ कुछ प्लान्स होंगे। तो बहुत ही कम टाइम लेते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 30 फिट बाय 50 फिट के प्लॉट पे 3 डिफरेंट प्लान्स को। तो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आप एक घर बनाए फ्यूचर में, अपना एक ड्रीम हाउस बनाए, तो आपको इस वीडियो से काफी कुछ आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से वो काम करना है। और अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्ट स्टूडेंट है तो भी आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम लोग को नक्शा बनाना चाहिए, सो डैट जब भी आप अपने किसी क्लाइंट का नक्शा बनाए तो आप उनके लिए ऑसम प्लान बना सके। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं डायरेक्टली हम अपने प्लान के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक 30 फिट बाय 50 फिट का प्लॉट है और यहाँ पे एक लाइन डायग्राम है और यू कैन से प्लान लेआउट है हमारे पास। तो आप एंट्री पॉइंट में देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक मेन गेट है और उसके साथ ही एक तिरछी लाइन के साथ यहाँ पे लॉन को एस्टेब्लिश किया गया है। तो मैंने अपने प्रीवियस प्लान्स में एक कर्व लाइन दिखाया था या फिर अलग अलग टाइप के डिजाइन दिखाए थे लॉन के लिए, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रेट तिरछा लाइन भी एक खूबसूरत एलिमेंट की तरह काम करता है जब हम लोग को अपने लॉन की बात करनी होती है। तो लॉन यहाँ पे बहुत ही वाइड है जो कि 5 फिट 8 इंचेज है, जो कि हमारे मूवमेंट के लिए या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए काफी स्पेस दे देगा। अगर आप इवनिंग में टी टाइम चाहते हैं तो उसके लिए भी काफी लाइक सहूलियत आपको रहेगी। आप यहाँ पे आराम से चेयर लगा के अपने टी को एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे आता है हमारा पॉर्च एरिया। तो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, जो भी मैं प्लान्स यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आपको इस पूरे वीडियो में, वो सब मैंने नहीं बनाए हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। मैं बेसिकली एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को ये काम देता हूँ कि आप प्लान्स को बनाइए और वहां से उनकी वर्क मैं एक्सप्लेन करता हूँ, साथ ही साथ में यहाँ पे प्लान्स को चेक भी करता हूँ। तो आपको एक बेटर आइडिया भी लग जाएगा कि अच्छा, मान लीजिए कि इस प्लान में अगर कोई करेक्शन होगा तो वो भी मैं यहाँ पे बता दूंगा। तो आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना है और हम लोग बहुत सारी नई नई चीजों को सीखते जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा पॉर्च एरिया है जहाँ पे आप गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। यहाँ एक ओपन एरिया है तो यहाँ पे भी आप अपना 2 व्हीलर वगैरह पार्क कर सकते हो। 14 फिट बाई 14 फिट का एरिया है तो आप यहाँ आराम से अपने 2 कार पार्क कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हॉल है जो कि 15 फिट बाई 9 फिट 4 इंचेस का है। तो अगेन ये हॉल काफी बड़ा हॉल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। एंड अगर ये 10 फिट होता तो ज्यादा अच्छा होता, बट स्टिल 9 फिट 4 इंचेज इज अ गुड स्पेस ओवर हियर। ओके, तो यहाँ से हम लोग के पास 2 डोर मिल रहा है। एक तो है कि आप डायरेक्टली हॉल में जाएं जहाँ पे आप अपने गेस्ट्स के लिए अरेंजमेंट कर सकते हो, और यहाँ से एक एंट्रेंस हमारे डायरेक्ट बिल्डिंग में थी। यहाँ पे हमारा सेकेंड एंट्रेंस है जो कि डायरेक्टली हमारे डाइनिंग एरिया में ओपन होता है। और इस एरिया में हम लोग की जो रेसिडेंट्स ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि जो लोग एक्चुअली घर में रहते हैं, वो लोग डायरेक्टली इस फ्लोर का भी यूज करके अंदर जा सकते हैं। यहीं से आपको एक स्टेप भी मिल जाएगा, यानी कि स्टेयर केस मिल जाएगा, और इस स्टेयर केस के थ्रू आप दूसरे फ्लोर पे जा सकते हैं। हमारे पास इस पर्टिकुलर प्लान के लिए सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। तो आप देख सकते हैं कि स्टेयर केस के पीछे हमारे पास ओपन स्पेस है जो कि वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे किचन को। अब यहाँ से देख सकते हैं डाइनिंग एरिया और किचन के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ये और भी ज्यादा कनेक्टेड होता तो बेटर होता, क्योंकि डाइनिंग एरिया और किचन के बीच में जितना कम स्पेस रहे उतना ही अच्छा होता है। बट स्पेस अवेलेबिलिटी के हिसाब से और जिस तरीके से प्लान किया गया है, किचन ठीक ठाक पोजीशन पे है। लेकिन आप यहाँ पे एक देख चीज से चीज देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक कॉमन टॉयलेट है और इस कॉमन टॉयलेट का वेंटिलेशन जो है वो इस डक्ट से प्रोवाइड किया गया है। अच्छा, एक बात आपको गौर फरमाने की ये भी है कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ फ्रंट में जो है वो रोड है और किसी भी साइड में ऑफसेट नहीं छोड़ा गया है, तो इसलिए हम लोग किसी भी साइड में विंडो ओपन नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि हम विंडो ओपन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को अलग अलग जगह पे डक्ट्स को प्रोवाइड करना पड़ रहा है, यानी कि ओपन स्पेस को प्रोवाइड करना पड़ रहा है। जैसे कि एक ओपन स्पेस हमने यहाँ दिया है, दूसरा यहाँ दिया है, और तीसरा हम लोग जो आर्किटेक्ट है उसने यहाँ पे प्लेस किया है। देन आप देख सकते हैं कि ये जो बेडरूम है ये एक मास्टर बेडरूम की तरह एक्ट कर रहा है, जिसमें कि एक ड्रेसिंग एरिया भी और टॉयलेट के लिए भी काफी अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे अलॉट किया गया है। देन हमारा किचन से कनेक्टेड ही एक स्टोर रूम है, और ये किचन जो है ओपन स्पेस में ओपन भी होता है जो कि हमारा वॉश एरिया की तरह कंसिडर किया जाएगा। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं इस प्लान को रेट करना चाहूँ तो 5 बाय 10 रहेगा। बहुत ही ज्यादा वेल अरेंज्ड भी नहीं कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए किचन के सामने टॉयलेट का रहना कोई अच्छी बात तो है नहीं। देन आपका जो रूम है बेडरूम वो भी एक ही निकल रहा है, तो 30 फिट बाय 50 फिट का एरिया है, काफी बड़ा एरिया होता है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ 1 BHK बना रहे हैं तो ऑब्वियसली रूम का साइज तो आपका इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ रूम्स आपके डिक्रीज कर जाएंगे, एंड इतने बड़े प्लॉट में कोई नॉर्मली 1 BHK नहीं बनाएगा।
दिस इज गोइंग टू बी अ 5/10 प्लान। नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर आवर नेक्स्ट प्लान, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें बता देता हूँ जो हमारे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अगर आप हमारे से घर बनवाना चाहते हो तो आप हमारे सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर सर्विसेज को ले सकते हैं, और उसके लिए आप हमारे सिविल राजा की वेबसाइट पर जा सकते हो। यहीं पे आपको हमारा नंबर भी मिल जाएगा, नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एक सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट हो तो आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। आप अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑन ऑटोकैड के लिए हमारे पास कोर्स है जो कि 4999 में अवेलेबल है। ये 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। द सेकेंड हमारा जो कोर्स है वो बिल्डिंग प्लानिंग के ऊपर है, और थर्ड जो हमारा कोर्स है वो इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए है जो कि हमारे लाइव क्लासेज में अभी हो रहा है। तो ये आई गेस 22 अगस्त 2022 से स्टार्ट हुआ था इंटीरियर डिजाइन का क्लास, और जल्दी ही ये हमारे वेबसाइट पे भी रिफ्लेक्ट करने लगेगा। वो सारी क्लासेस लाइव हैं, तो अगर आपको कोई भी क्लास ज्वाइन करनी है तो आपके पास हमारा नंबर है 8433248864, वहां पे आप जाके कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये दोनों ही लोगों के लिए फायदा है। अगर आप स्टूडेंट हैं सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्ट के तो आपको यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिल जाएंगे। अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जिनको कि घर बनवाना है, या फिर आप कोई ऐसे पर्सन है जो किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो घर बनवाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे जहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग प्लान का डिस्कशन किया हुआ है फॉर द सेम प्लॉट एरिया एंड फॉर इवन फॉर द डिफरेंट प्लॉट एरिया। जैसे कि 22x50 फिट का प्लान हो, या 26x50 फिट का प्लान हो, या 21x55 का हो, 20x50 का हो, तो अलग अलग तरीके के प्लान्स आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग से रिलेटेड या फिर इंटीरियर से रिलेटेड भी आपको काफी वीडियोज यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप चाहिए और सिविल राजा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लान के ऊपर जो कि आज का सेकेंड प्लान ऑफ द डे है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा एक ग्राउंड फ्लोर का प्लान है और ये नॉर्थ फेसिंग प्लान है। तो इस साइड में हमारा रोड होगा, या और आई गेस ये टू साइडेड रोड है क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्शन दिया है कि नॉर्थ फेसिंग प्लान है या फिर ये ईस्ट फेसिंग प्लान है। एक्चुअली नहीं, ये प्लान ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ हमारा इस डायरेक्शन में है वो हाईलाइट किया गया, तो ये एक ईस्ट फेसिंग प्लान हुआ हमारा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा मेन गेट है, मेन गेट के साथ ही यहाँ पे हमारे पास लॉन है जो कि 6 फीट 6 इंच वाइड है, काफी वाइड लॉन है। एंड देन हमारे पास पॉर्च का एरिया है जहाँ पे आप आराम से गाड़ियाँ पार्क कर सकते हो, 8 फीट 2 इंचेस बाय 15 फीट 6 इंचेस है, तो आप यहाँ पे सिंगल कार आराम से पार्क कर सकते हो इस डायरेक्शन में। एंड यहाँ पे आप जाके टू व्हीलर को भी आगे में पार्क कर सकते हो। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो टू व्हीलर से वो मल्टीपल पार्क हो सकते हैं क्योंकि ये इनफ स्पेस हो जाता है हमारे पास। देन ड्रॉइंग हॉल में जाने के लिए आपके पास यहाँ से एक मेन डोर है, और इस ड्रॉइंग रूम या हॉल जो भी आप इसे कह लें, तो ड्राइंग रूम हम लोग नॉर्मली इसको बोलते हैं, तो इसमें हमारे पास 10 फिट 4 इंचेस बाय 13 फिट का स्पेस है। और यहाँ पे इसका मेन पर्पस होता है कि अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो वो यहाँ पे आके बैठते हैं और वहाँ पे आप उनके साथ एक डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं, लंबे समय के लिए बात कर सकते हैं, और आपकी घर की प्राइवेसी भी अफेक्ट नहीं होती है। साथ ही साथ यहाँ से आप देखेंगे कि हमारे पास एक डाइनिंग कम लिविंग एरिया है, तो यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं और इसे लिविंग एरिया की तरह भी यूज कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि यहीं पे जस्ट हमारा किचन है, तो ये जो किचन है वो काफी सीधे सीधे कनेक्टेड है हमारे डाइनिंग एरिया से, जो कि एक अच्छा अरेंजमेंट है। जैसे कि मैंने पिछले प्लान में बताया था उससे ये बेटर अरेंजमेंट है। और किचन से ही अटैच है हमारे हमारा स्टोर रूम जिसका कि लाइक डायमेंशन है 6 फिट 10 इंचेस बाई 4 फिट। तो ओके, ये इनफ स्पेस है। और एंड देन हमारे पास डाइनिंग एरिया से कनेक्टेड है एक वॉश एरिया, जो वॉश एरिया का मतलब होता है कि एक ओपन एरिया रहेगा ये, ठीक है। ये क्रॉस साइन का मतलब सिंपल सिंपल यही है कि एक ओपन एरिया है, और इसका भी डायमेंशन इनफ है। और यहाँ पे हम लोग वेंटिलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं कि डाइनिंग हॉल में वेंटिलेशन जो है वो यहाँ से आ जाए। देन हमारे पास एक कॉमन टॉयलेट का है जो कि रास्ता भी इसी के थ्रू होकर गया है, और इसका वेंटिलेशन भी हमारे वॉश एरिया से मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि डाइनिंग रूम से जो है वो हमारा टॉयलेट बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, ना ही है किचन से कनेक्टेड है, तो ये एक अच्छा अरेंजमेंट होता है। जैसे कि मैंने पिछले प्लान में बताया था कि किचन के सामने ही टॉयलेट था, तो वो एक अच्छा अरेंजमेंट नहीं कंसिडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसे एक अच्छा अरेंजमेंट कंसिडर करेंगे। ओके, क्योंकि ये जो टॉयलेट है ऑलमोस्ट डिसकनेक्टेड ही है हमारे डाइनिंग एरिया से। देन आप देख सकते हो कि यहीं से हमारा स्टेयर केस है, और स्टेयर केस का जो डोर है यहाँ से क्लोज हो जाता है, यानी कि आप एक ऐसा स्टेयर केस बनाना चाहते हो जो कि एक अलग यूनिट की तरह काम करे, यानी कि घर के बाहर से स्टेयर केस है। तो अगर आप इस प्लान का इस तरीके से यूज करना चाहते हो कि अगर आप लाइक कोई है जो कि
एक फ्लोर को रेंट आउट करना चाहते हैं तो आप सिंपली स्टेयरकेस को बाहर रखेंगे। ऐसे केस में क्या होता है कि घर की प्रिवेसी जो है वो अफेक्ट नहीं होती है। मेन गेट का चाबी आपके पास दोनों पास होता है, रेंटर के पास भी होता है, ओनर के पास भी होता है, और वो दोनों आराम से इसका एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टेयरकेस बाहर रखने से किसी भी फ्लोर वाले को कोई दिक्कत नहीं होती कि कौन कितने बजे लेट आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो उसकी दिक्कत नहीं होती है। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि बाहर से ही एक बेडरूम दिया गया है जो कि एक मास्टर बेडरूम है। तो अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जिनको कि एक पर्टिकुलर रूम को ही रेंट आउट करना है, तो आप इस तरीके से गेट का प्रोविजन दे सकते हैं कि बंदा आएगा और इसी गेट का यूज करेगा। ये जो रूम है वो कनेक्टेड भी रहेगा घर के थ्रू। तो अगर आप इस पर्टिकुलर रूम को, बेडरूम एंड टॉयलेट को भी बस रेंट आउट करना चाहते हो, तो वो भी यहाँ से कर सकते हो। इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे एक विंडो भी है, तो कोई इशू नहीं होगा इस बेडरूम में। एंड यहाँ पे भी एक दूसरा विंडो है, साथ ही साथ इस टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए ओपन एरिया दिया गया है, और यहाँ से हम लोग का वेंटिलेशन इस बेडरूम और इस टॉयलेट दोनों का इजिली हो जाएगा। अब आते हैं घर के अंदर वापस से, और वापस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास एक और बेडरूम यहाँ पे अलॉट किया गया है। तो अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो ये एक 30 फीट बाय 50 फीट का प्लान है जो कि 2 BHK प्लान है। मैंने कहा था ना कि हर जो प्लान है उसमें कुछ ना कुछ यूनिकनेस होता है। तो जैसे हमारा प्रीवियस जो प्लान था उसमें एक 1 BHK प्लान बना गया था, तो सारे रूम के साइज बड़े बड़े थे लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं था। और आप देख रहे हो कि सेम प्लॉट एरिया में अगर हम लोग और भी ज्यादा प्रॉपरली अरेंज कर देंगे चीजों को, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 2 BHK प्लान बन जाता है। यहाँ भी हमारे रूम का साइज काफी अच्छा है, 14 फिट बाय 11 फिट 10 इंचेस, देन 10 फिट 8 इंचेस बाय 16 फिट 2 इंचेस। तो ये बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट हो जाता है हमारे पास, एंड इसका यूज आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, सो ये जो प्लान है वो आई गेस 6 और 6.5 आउट ऑफ 10 हो जाएगा, क्योंकि इसमें रूम्स का अरेंजमेंट काफी अच्छा है, स्पेस का यूज अच्छा से किया गया है, एंड सब कुछ एक बैलेंस्ड वे में दिया गया है। साथ ही साथ स्टेयर केस को बाहर रखा गया है, एंड यहाँ पे बहुत ही वाइजली यहाँ पे एक विंडो भी प्लेस कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे स्टेयर केस इस तरीके से मूव होगा तो हम लोग का जो हिडन आप या डॉटेड लाइन है यहाँ पे, तो डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि आपके प्लान में जितना आप मूवेबल डिस्टेंस है वहां तक में आपका, या फिर आई साइट कह लीजिए, आई साइट से ऊपर कोई अगर एलिमेंट है हमारे बिल्डिंग का, तो उसको अगर हम प्लान व्यू में देखेंगे तो उसको हम लोग डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आराम से एक विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं इस स्टेयर केस के नीचे में। ओके, सो दिस विल बी रेटेड एज 6.5/10। ओके, अब हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट प्लान के ऊपर, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर हैं तो आपके लिए हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है, और इस ऐप पे आप देख सकते हैं कि हमारा सिविल राजा का लोगो होगा, सिविल राजा के नाम से ऐप होगा। आप सिंपली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने डिवाइस पे, और अगर आपको अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करनी है जैसे कि आपके पास SSC JEE वगैरह का है, तो आप यहाँ से हमारे सिंपली जाके अलग अलग सेक्शंस में चेक कर सकते हो कि क्या क्या चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। अभी SSC JEE सिविल का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है नवंबर में, तो आप वहां से भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। उसी तरीके से अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पे हो सकती है, आप सिंपली जाके इन सब चीजों को चेकआउट कर सकते हो। ओके, साथ ही साथ अगर आपको ऑटो कैड सीखना है तो आपको ये जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग में जाना है, वहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जाना है, तो वेबसाइट पे आपको ये चीज नहीं देखने मिलेगी लेकिन एप्लीकेशन में आपको ये डायरेक्टली दिखने मिलेगा। तो आप सिंपली एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ इसे एक्सप्लोर कीजिए, और आपको वहाँ पे देखने मिलेगा कि ओके हम लोग का ऑटो कैड का कंप्लीट कोर्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जा चुका है। तो वहाँ पे आप स्क्रैच से ऑटो कैड सीख सकते हो कि किस तरीके से हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करना होता है, सर्कल ड्रॉ करना होता है, आर्क ड्रॉ करना होता है, जितने भी टूल्स जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या आर्किटेक्ट के यूज के लिए हैं वो सब कुछ वहाँ पे इजीली हम लोग सीख सकते हैं, और उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। तो एक कंप्लीट प्लान कैसे बनाते हैं, प्लान बनाने का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस तरीके से एक प्लान लेआउट बना के छोड़ दिया, इस तरीके का नहीं, बल्कि आप एक कंप्लीट प्लान बनाना सीखेंगे, यानी कि आप एक फर्नीचर लेआउट बनाना सीखेंगे इस तरीके का कि किस तरीके से हम लोग एक ऐसा फर्नीचर लेआउट बनाते हैं, उसके बाद कॉलम्स को कहाँ पोजीशन करते हैं, सेंटर लाइन डायग्राम तक का सब कुछ आपको वहां पे बनाने को सीखने मिलेगा। तो आप वहां पे जाइए और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, एंड आपको अगर कोई भी ऑटोकैड में डाउट होता है तो आपको वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट भी रहेगा, आप वहां पे भी जाके सिंपली हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लान के ऊपर जो कि एक नॉर्थ फेसिंग प्लान है। आप नॉर्थ देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में हमारा मेन गेट है, तो एक नॉर्थ फेसिंग प्लान हो जाता है जो कि बाकी के 3 साइड से आई गेस ब्लॉक्ड है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इसमें किस तरीके से वेंटिलेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि देखिए जो ब्लॉक्ड साइट होता है ना उसमें हम लोग का सबसे मेन इश्यू हो जाता है वेंटिलेशन का, तो वेंटिलेशन जो है बहुत ही प्रॉपरली प्रोवाइड करना होता है। ओके, तो इस ग्राउंड फ्लोर प्लान में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास मेन गेट है,
एंड यहाँ से हमारा पॉर्च एरिया स्टार्ट हो जाता है 7 फीट 8 इंच, तो ओके वो हमारे लाइक फोर व्हीलर को पार्क करने के लिए इनफ एरिया होगा। देन हमारे पास वेरेंडा है, वेरेंडा में आप से आप जा सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे पास ड्राइंग रूम या हॉल है यहाँ पे अवेलेबल, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे से फर्नीचर को प्लेस किया गया है, और इस फर्नीचर प्लेसमेंट के कारण आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि ओके हम लोग का कितना लोग यहाँ पे अकोमोडेट हो सकता है, कहाँ पे हम लोग टीवी यूनिट रखेंगे एंड एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पे इजिली आइडेंटिफेबल है। ओके नाउ आप देख सकते हैं ये हम लोग का ओपन होता है डायरेक्टली हमारे लिविंग एरिया में। ओके तो लिविंग कम डाइनिंग एरिया में आता है, तो यहाँ पे लिविंग रूम में की तरह यूज करेंगे और डाइनिंग रूम की तरह भी यूज कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल को ऑलरेडी प्लेस कर दिया जा चुका है। देन आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग का एक सेकेंड एंट्रेंस पॉइंट भी है जो कि यहाँ से है, और ये हमारा लाइक स्टेयर केस जो है वो बिल्डिंग के अंदर है, राइट। यानी कि ये जो ओनर है वो रेंट आउट करने के प्लान में नहीं है, इसलिए इसने स्टेयर केस को यहाँ पे दिया है, और इस तरीके से हम लोग का बिल्डिंग के अंदर ही मूवमेंट होगा सब कुछ। देन आपके पास देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बेडरूम है जो कि वेल फर्निश्ड बेडरूम की तरह प्लान किया गया है। देन हमारे पास एक ओपन स्पेस है जो कि काफी बड़ा है, 15 फिट बाई 4 फिट का, और ये जो ओपन स्पेस है वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे इस मास्टर बेडरूम को, जिसका की डायमेंशन है 14 फिट बाई 13 फिट का। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास स्टडी टेबल एंड चेयर के लिए भी स्पेस हो गया, आपके पास टेलीफोन यूनिट हो गया, देन हमारे पास बेड है, टीवी यूनिट है, एंड हमारे पास सोफा प्लेस करने के लिए भी स्पेस है। तो इस तरीके का जब अरेंजमेंट रहता है दोस्तों, तो हम लोग क्लियरली समझ जाते हैं कि ओके हमारे पास इतना स्पेस रहेगा और ये चीजें हम लोग अपने रूम में रख पाएंगे। ओके देन आप देख सकते हैं क्या कि टाइल्स के लिए भी दिखाया गया कि यहाँ पे हम लोग एक डिफरेंट टाइल टाइप का टाइल्स यूज कर सकते हैं, टॉयलेट में एक डिफरेंट टाइप का टाइल्स यूज कर सकते हैं, एंड सेम टाइल हम लोग दूसरे टॉयलेट में भी यूज कर सकते हैं ताकि हम लोग को एक यूनिफॉर्मिटी घर में देखने को मिले। देन हमारे पास पार्किंग एरिया में भी सेम टाइल यूज करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे ओपन एरिया में रहेगा। टाइल्स के यूज करने से हमारे पास एक बेनिफिट ये भी हो जाता है कि जो वॉल में सीपेज का इशू हो जाता है वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है। ओके देन आते हैं इस डायरेक्शन में, यहाँ पे हमारे पास एक किचन है, किचन के साथ ही हमारा स्टोर रूम का दरवाजा भी है, और साथ ही बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे एक बेसिन को प्लेस कर दिया गया है इस छोटे से स्पेस में, ताकि हम लोग को डाइनिंग हॉल के मतलब डाइनिंग यूज करने के बाद हम लोग को डायरेक्ट इसी टॉयलेट में ना एंटर करना पड़े। हमारे पास एक बेसिन अवेलेबल है जहाँ पे हम लोग अपना लाइक खाने के बाद हाथ वगैरह धो सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी एक ओपन स्पेस दिया गया है, और ओपन स्पेस के थ्रू हम लोग किचन में जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक वॉश एरिया दिया गया है जो कि हमारा किचन का वेंटिलेशन की तरह यूज किया जा सकता है, एंड यहाँ पे एक टॉयलेट है, इसका भी वेंटिलेशन इसके थ्रू हो सकता है। देन हमारे पास एक बेडरूम है, बेडरूम का वेंटिलेशन फ्रंट से हो जाएगा, तो आप देख सकते हो कि बहुत ही वेल वेंटिलेटेड हाउस है। एंड अगर हम लोग इसमें रूम्स को काउंट करें तो 1, 2 एंड 3, यानी कि 3 BHK फ्लैट बन जाता है 30 फिट बाई 50 फिट का, जो कि एक नॉर्थ फेसिंग फ्लैट की तरह काम कर रहा है। ओके सो गाइज अभी तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आज हम लोगों ने 30 फिट बाई 50 फिट का 3 प्लान स्टडी किया है, तीनों में यूनिकनेस क्या है। पहला जो प्लान है वो 1 BHK है, दूसरा जो है हमारे पास 2 BHK प्लान है, और तीसरा हमारे पास वेल फर्निश्ड 3 BHK फर्नीचर लेआउट प्लान है। ओके तो आई गेस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप सिंपली हमारे लाइक ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट पे जाके वहां से भी अपने अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप ऑटोकैड की ट्रेनिंग लेनी है तो जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग में जाके वहां से ऑटोकैड की ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स भी जल्दी ही इसमें लॉन्च कर दूंगा, तो आप उसका भी लाभ उठा पाएंगे यहाँ से। और अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको इस वीडियो के बारे में फीडबैक देना है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, तो आप सिंपली वहां पे जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हम तक पहुंचना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8433-248-864, एंड यहाँ जाके आप हमारे पास आर्किटेक्चरल प्लान के लिए कॉल कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइन हुआ या फिर स्ट्रक्चरल डिजाइन या एस्टिमेशन करवाना हुआ तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, और ये सारे सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके गाइस सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।